दोस्तों, वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो स्पेशली सुपर टेट और सी टेट के लिए है। तो अगर आप लोग सी टेट या फिर सुपर टेट 2020 या 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरा बस इतना सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी तो उसको पूरा देखा करिए, जिससे आपको आपका जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा अंतिम लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो, जिससे आप लोगों को मैं आज की वीडियो में प्रतिशत के बारे में यानी कि परसेंटेज के बारे में जो भी बताऊं आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा थियरी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। तो आप देख लीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस सत। प्रति का मतलब होता है एक, और सत का मतलब जैसे कि आप सुने होंगे कि किसी ने शतक मार दिया। शतक मारने का मतलब क्या होता है, उसने 100 रन बना दिया। उसी तरीके से सत का मतलब होता है 100। जब हम प्रतिशत को जोड़ रहे थे तो उसी तरीके से हम प्रति का मतलब होता है एक, सत का मतलब होता है 100। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे मतलब निकल के आएगा 100। यहाँ पे देख लीजिए, इससे हमको ये पता चलता है कि अर्थात जब किसी वस्तु की दर प्रत्येक 100 के लिए ज्ञात करनी हो तो उसे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना कहते हैं। जब हम किसी वैल्यू का मान 100 में से निकालते हैं तो उसको हम परसेंटेज निकालना कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके अंग्रेजी का क्या मतलब होता है, परसेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे। तो परसेंट का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है परसेंट लैटिन भाषा का शब्द है जो पर और सेंटम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100। मतलब इसमें भी वही मतलब इसका भी हुआ कि 100 में से जितना भी निकल के आया तो उसको परसेंट निकालना कहते हैं इसको। और यहाँ पे देख लीजिए, अब देर न करते हुए दिखा देते हैं परसेंट का चिन्ह क्या होता है। ये उन बच्चों के लिए खासतौर से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जिनको परसेंट मतलब मैथ की अगर बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो उनको आज की वीडियो देख के उनको ये पता चल सके कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को लिखते कैसे, उसका चिन्ह क्या होता है, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी देखता रहे। और आने वाली वीडियोज में आज की आगे वाली मतलब आगे देखेंगे कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन है और ट्रिक आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाता है। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कर ये मैं सोचिए कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे अच्छे प्रश्न टफ टफ प्रश्न कराने लगूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग से ही टफ प्रश्न कराने लगूंगा तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे दिक्कत की बात हो जाएगी जिनको इस टॉपिक से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को भी लेके चलूंगा जिसको थोड़ी सी नॉलेज भी नहीं है, उसके लिए भी आज की वीडियो है, और जिसकी जिसको नॉलेज है वो भी आज की वीडियो देख सकता है। आगे आप लोगों के लिए भी प्रश्न है इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए, परसेंटेज का जो चिन्ह होता है ये है परसेंटेज का चिन्ह, इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रिक जो मैंने आपको बताया अभी कि कॉन्सेप्ट होता क्या है ये। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है अगर आपसे कहा जाए कि एक्स परसेंट ऑफ वाई बराबर है वाई परसेंट ऑफ एक्स, मतलब इसका क्या है, अगर यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं वाई का एक्स प्रतिशत, ये हम बराबर कह सकते हैं एक्स का वाई प्रतिशत। मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देके एक बार एक प्रश्न लेके दिखा देता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। ये पहले तो मैं बता दूं कि ये क्यों किया जाता है। तो ये प्रश्न को सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि 39% ऑफ 60, यानी कि 60 का 39%। तो 60 का 39% निकालने में आपको पहले इसका 39 × 60/100 करना होगा। बट अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी, यहां पे मेरा बताने का बस मतलब इतना था कि आप 60 का 39% को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 39 का 60%। मेरा बताने का बस इतना ही मतलब था ये कॉन्सेप्ट कि अगर आप परसेंटेज को, कोई कठिन परसेंटेज आपसे पूछ लिया है तो उसका देख लीजिए अपोजिट क्या उसका बन रहा है, जो हो सकता है कि उसका अपोजिट थोड़ा सरल बन रहा है। यहाँ पे अगर 60 का 39% निकालना होगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर आपसे बोल दिया जाए कि 39 का 60% निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि 10% निकालना, किसी वैल्यू का 10% निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर यहाँ पे मैं बता दूं कि 10% कैसे निकालते हैं तो 39 का 10% कैसे निकालेंगे आप। 39 कोई वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू है वो खुद में 100% होती है, तो 39 मान लीजिए ये 100% की वैल्यू है। यहाँ पे
39 बराबर मान लेते हैं 100%। तो 10% कैसे निकालेंगे, 10% निकालने के लिए हम इधर भी 100 यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे और इधर भी 10 से भाग दे देंगे। जब इधर हम 10 से भाग देंगे तो 10% हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10% बराबर इसमें जब 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 3.9 आ जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना होता, किसी वैल्यू का 10% निकालना होता है अगर हमको, तो उस वैल्यू में से एक प्लेस उसके हटा के अगर दशमलव लग रहा है तो दशमलव लगा के उसका 10% निकाल लेते हैं, अगर 0 है तो 0 से 0 काट देते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 390 लिखते हैं, यहाँ पे 390 था तो इसका 10% निकालना था, तो कैसे करेंगे, 10% से भाग 10 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 39। तो आप आशा करता हूँ आप लोगों को 10% निकालना आ गया होगा। उसी तरीके से अगर 39 का मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 10% निकालना, तो आपका 10 यहाँ पे मैंने बताया 10% आपका था 3.9 और 60% आपको टोटल निकालना, तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए आप, यहाँ पे आ जाएगा 9×6=54 यानी कि 4 और हासिल लगा 5, 6×3=18 5×23 तो यहाँ पे आ जाएगा 39 का 60% जो है वो 23.4 आ जाएगा। और वही अगर आप यहाँ पे करते 60 का 39% निकालते तब पर भी आपका यही आंसर आता। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। आपको परसेंटेज अगर दिखने में कोई कठिन लग रहा है तो उसका उल्टा करके देखिए, हो सकता है वो परसेंटेज सरल बन जाए, मेरा बस यहाँ पे बताने का इतना मतलब था। अब देखते हैं हम कि जो भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे भिन्न में भिन्न को परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिखा देना चाहता हूँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी संख्या है वो खुद में 100% होती है। तो यहाँ पे अगर हम 100% को एक मान लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक को 100% मान लिया है यहाँ पे, तो अगर हम उसका आधा करते हैं 1/2 करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, इधर 100 को भी हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50%। आप देख सकते हैं इसी तरीके से होगा। अगर इसी को हम 1/4 कर देते हैं तो क्या होगा, 1/4 करेंगे तो जो वैल्यू आई रहेगी यहाँ पे, जैसे 1/2 थी तो 50% आया था, अब 1/4 करेंगे तो 50% में भी 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 25%। या फिर ऐसे अगर आप नहीं करना चाहते, आप पूरे को 100 इस तरीके से करना चाहते हैं, 100 को मान लीजिए एक को यहाँ पे हमने 100 माना था, तो 100/4 करेंगे तो 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे, तब पर ही 25 आएगा। तो आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसको देख लीजिए, 1/8 आ गया यहाँ पे, 1/8 को क्या करेंगे, 1/8 को आप 100 ही मान के करिए, आसान रहेगा थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए। तो 100/8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 एक बार जाएगा, 8×8 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8×2=16, फिर यहाँ पे 20 था और 16 दो बार में गया तो 16 गया, 4 बचा तो दशमलव लगा के 40 कर देंगे, 8×5=40, तो यहाँ पे 12.5% आएगा। 12.5% को क्या कहते हैं, 1/8 कहते हैं, ये याद रखिएगा, आगे आने वाले प्रश्न में ये मिलेगा आपको। अब इसके बाद अगर 1/16 करें तो क्या करना होगा, 100 करेंगे बटे में 16 कर देंगे, 100/16 करेंगे तो क्या होगा, 16×96 बचेगा कितना, 4 बचेगा, और 4/16 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 यानी कि 6.25%। आशा कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट प्रतिशत होते हैं, भिन्न को प्रतिशत में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं अक्सर प्रश्नों में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/3 है, 1/3 को आप कैसे लिखेंगे, 100/3 कर लीजिए तो कितना आएगा, 100/3 करेंगे तो आपका आएगा 33.33%। अब 33.33% आ गया 1/100 का, 1/3 का। अब 2/3 करेंगे तो क्या आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे 33 रख के भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको क्लियर तरीके से दिखा रहा हूं। अगर यहाँ पे 1/1 था तो 100 लिखे थे, तब 1 का हमने माना था 100%, तो 2 का कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। 200/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार जाएगा, 18 आएगा, फिर 2 2 फिर 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाता रहेगा, तो 66.66 या फिर इसको 66.67% भी लिख सकते हैं। अब है हमारा देख सकते हैं 1/5, 1/5 को कैसे लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, 100/5 कर देंगे तो 100/5 क्या आ जाएगा, 5×2=10 और यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20%। अब 20% आ गया 1/5, तो 2/5 कैसे करेंगे, 2/5 मतलब 200/5 कर देंगे
या फिर अगर आपका 20% आ गया है 1/5 तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 20 से 40% हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं अभी तो 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40% आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4/5, तो 4/5 के लिए क्या करेंगे, 1 बराबर था 100 तो 4 बराबर हो जाएगा 400, 400/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पे 2/5 की वैल्यू 40 आ गई तो 4/5 की वैल्यू उसका डबल हो जाएगा, 80% आ जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है कुछ, मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब ये सब जो प्रश्न मैं दिखाऊंगा अभी, ये आपको लगभग सब, अगर प्रेजेंट से प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें 90% चांस होते हैं कि ये सब प्रतिशत यूज हुए हों उसमें। अगर आप लोगों को ये इसके प्रतिशत पता है तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/9 का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि 1 की जगह आप 100 रख लीजिए और 1/9 कर दीजिए, तो 9 कितनी बार जाएगा 100 में, पहले 1 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे फिर 1, फिर 1 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 1 बचेगा इसमें, अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे कर दीजिए 11 सही, 1/9% आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरीके से 1/11 करेंगे कैसे आएगा, 100/11 कर दीजिए, 100/11 करेंगे कितना, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा सीधे सीधे, 11 × 99 और बचेगा कितना, 1 बचेगा और 1 बचेगा और यहाँ 1/11 बचेगा, तो 9 सही 1/11%। इसमें आप ध्यान देने वाली ये बात है कि 1/9 जो है और 1/11 इनका प्रतिशत एक दूसरे से मिलता है, जैसे 1/9 है तो यहाँ पे लास्ट में 1/9 आएगा और आगे 11 आएगा, और यहाँ पे 1/11 तो लास्ट में देख लीजिए 1/11 आएगा, आगे 9 आएगा, तो एक दूसरे का आप देख सकते हैं इंटरचेंजिंग, एक दूसरे को उल्टा टाइप का दिखता है। बस इतना ध्यान देना कि 1/11 तो लास्ट में 1/11 आएगा, 1/9 है तो लास्ट में 1/9 आएगा। अब आपका एक इंपॉर्टेंट और बनता है यहाँ पे 1/7, 1/7 को कैसे लिखेंगे आप, 100/7 करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 100 में भाग देंगे तो, पहले 1 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 3 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 बचेगा, 728 आ गया, 30 था तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2/7% हो जाएगा, 14 सही 2/7% होगा 1/7 का। अगर हम 2/7 कर लें तो कितना आएगा, 200/7 हो जाएगा आपका, 200/7 करेंगे तो कैसे आएगा, 7 × 2 = 14 2 बार जाएगा। अब इसका हम डायरेक्ट करना चाहें तो 14 सही 2/7 का डबल कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सरल करके दिखा देता हूँ सॉल्व करके, तो 2/7 करेंगे कैसे आएगा, 7 × 2 = 14 2 आ गया, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 0 बचा, तो फिर कितनी बार जाएगा आपका, 7 × 8 = 56 8 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो कैसे करेंगे आप, नहीं कटेगा तो 4/7 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 14 सही 2/7 का ये डबल है, 28 सही 4/7। तो अगर आप यहाँ पे देखिए डबल वैल्यू कर रहे हैं ऊपर अंश में, तो यहाँ पे प्रतिशत की वैल्यू भी डबल होती जा रही है अगर आपका यहाँ पे हर समान है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, एक बार इसको देख के नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिस कॉपी में आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये पूरे चार्ट को आप नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये चार्ट, एक बार देख लीजिए और याद हो सके तो आप इसको एक दो बार मतलब याद करके इसको कोशिश करिए कि याद हो जाए। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, वीडियो को रोक के भी देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही है तो। अब इसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे जल्दी किसी प्रतिशत को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया ट्रिक टू कैलकुलेट फास्टर, यानी कि प्रतिशत के प्रश्नों को तेजी से हल करने के लिए यहाँ पे ट्रिक मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर इस तरीके के आपको दिख गए क्वेश्चन कि यहाँ पे लिखा गया है कि 51%, यानी कि 51% ऑफ 128, या फिर इसको कह सकते हैं आप 128 का 51%। तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिले जहां पे आप प्रतिशत को तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है प्रतिशत को विभाजित करके इसको सरल किया जा सकता है। यहाँ पे इसको कैसे तोड़ेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए। अगर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 51% को क्या लिख सकते हैं हम, 50% + 1% हो गया ना बराबर, 50% + 1% आपका 51% हो जाएगा, ये लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब 50% किसी का निकालना बहुत आसान होता है, 50% क्या होता है, 1/2 होता है, तो 128 का क्या होगा, 128/2 कर देंगे। और 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 10% कैसे निकालते हैं, 1 दशमलव लगा देंगे तो 10% निकल जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो आपका 1% निकल जाएगा। तो 1% के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, या फिर आप करके देख लीजिए, 128/100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1%। अब यहां पे देख लीजिए कैसे करेंगे, 128 का आधा कितना होगा,
64 होगा, और 1% इसका 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 1.28 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो कितना आएगा, 65.28। तो इसकी वैल्यू आपको आसानी से देख लीजिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 51% निकालना होता तो थोड़ा सा डायरेक्ट निकालते तो थोड़ा सा टाइम लगता, बट अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तोड़ के परसेंटेज निकालना, तो बहुत तेजी से निकल जाता है। कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, कितना भी ट्रिकी परसेंटेज हो, तोड़ के निकालने में बहुत आसान बन जाता है वो। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद एक प्रश्न और आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, यहां पे देख लीजिए। प्रश्न है 15% ऑफ 34, और यहां पे देख लीजिए इसका हिंदी में मैंने लिखा है 34 रुपए का 15%, 15% यानी। तो यहां पे इसको कैसे तोड़ेंगे, अगर 15% निकालना हो 34 का तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे निकल जाएगा वो भी काफी तेजी से, बट यहां पे अगर इस तरीके से आप तोड़ लीजिए 10% प्लस 5%, दोनों मिला के 15% हो गया। अब 10% या 5% निकालना किसी वैल्यू का बहुत आसान होता है। 10% के लिए मैंने क्या बोला था, 34 दिया है तो 34 में आप 10 से भाग दे दीजिए, और यहाँ पे 5% के लिए क्या करेंगे, जितना भी इसका वैल्यू आएगा उसका आधा कर दीजिए। यहाँ पे 34 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 34 में 10 का भाग देंगे 3.4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3.4 का आधा करेंगे कितना आएगा, 1.7 आएगा। तो यहाँ पे 1.7 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे 1.7 कर दीजिए, तो ये कितना है, 34 है, ये है 17, तो ये 17 के पहाड़ी में आता है ना, 17 × 34 17 × 51, 3 बार मिलके आपका हो जाएगा ये 5.1। तो आसानी से देख लीजिए निकल गया 34 का 15%। अब इसके बाद हम देखते हैं के लिए अब तैयार हैं कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना लिखा गया हेडिंग, और इसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया जिससे आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं और गुणनफल में प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हमको उसमें प्रतिशत का चिन्ह बाद में लगाना होगा। तो भिन्न, पहले तो ये जान ले कि भिन्न होता क्या है। भिन्न के बारे में आपको पता ही होगा कि भिन्न जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म मतलब एक अंश होगा, एक हर होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 2/5 कर लेते हैं, ये आपका P/Q के फॉर्म में हो गया। अब ये भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पे 100 से गुणा करने पे, 100 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200/5 देख लीजिए, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 200/5 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 40। अब लास्ट में क्या बोला है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा है 8/10, इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 100 से गुणा करते हैं ऊपर, 8/10 × 100। अब इसको हम आसान तरीके से कैसे कट कर सकते हैं, 10 से 100 को कट कर देंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 का 8 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 80% आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कैसे भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी चीज करनी होती है, अगर भिन्न कोई दिया तो उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, आपका भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। आप कट कर दीजिए उसको, सरल कर दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके आप लोगों को दिखा दूं मैं, यहाँ पे देख लीजिए 4/5 अगर है भिन्न है, तो इसमें मैंने क्या बताया, 100 से गुणा कर दीजिए सबसे पहले, कुछ नहीं करना है आपको। 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा ये, 20 × 4 क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, ये भी आपका आ जाएगा 80%। तो देख लीजिए 4/5 करिए या फिर 8/10 करिए, दोनों ही समान है। 4/4 को 2 कर मतलब 2 से गुणा कर दिए 8 हो गया, और 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आई है, देख लीजिए। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया जिस यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना के बारे में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत चिन्ह को हटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो प्रतिशत का चिन्ह खत्म हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा जब, और उसके बाद हटाने के बाद 100 से भाग दे देते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, उसी प्रकार उसका जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, तो सिंपल सा जब वहां गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे उसी चीज से भाग दे देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना यहाँ पे समझा दूं, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कि मान लीजिए 10% है, इसको हमको बदलना किसमें है, भिन्न में बदलना है, ये प्रतिशत है तो भिन्न में बदलना है। अब हमने सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं,
यहाँ पे 10 लिख लिए। अब किससे भाग देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/10। यहाँ पे ये भिन्न में बदल गया। एक दो एग्जांपल लेके और देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 40%। 40% की वैल्यू आपको पीछे मैंने दिखाई थी, क्या आया था जब हमने बदला था भिन्न को प्रतिशत में। यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, मैं प्रतिशत का यहाँ से चिन्ह हटाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। और दूसरे स्टेप में हम करते हैं 100 से भाग दे देते हैं, तो इस 0 से 0 काट दीजिए और 4 से जब 10 को काटें तो कितना आएगा, आप 2 से कट कर दीजिए, 2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 × 4 और 2 × 5 = 10, 2/5। इसका ये आ जाएगा भिन्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रतिशत भिन्न में भी बदलने वाला प्रोसेस पता हो गया होगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके पीछे जाके फिर से देख लीजिए। सिर्फ ये जो लिखा गया अगर इसको भी आप फॉलो करेंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक यहाँ पे कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, और आप लोग देखिए ये इस तरीके के प्रश्न आप लोगों ने जरूर देखे होंगे अगर आप लोगों ने किसी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दिया होगा मैथ का। तो यहाँ पे देख लीजिए, और इस तरीके के प्रश्न में खास बात यह होती है कि प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी संख्या का 16%, यानी कि यहाँ पे हमको संख्या नहीं दी गई है, तो हम संख्या को क्या मान लेंगे, यक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, यक्स मान लेते हैं। किसी संख्या का 16% यानी कि यक्स का 16% जब 21 से जोड़ा जाए प्लस 21 तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, बराबर हो जाएगा आपका यक्स के। अब आपको यहाँ पे पता है कि यक्स का 16% कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जब इस तरीके से लिखा रहे तो दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, आराम से देख लीजिए, यक्स गुणे 16/100 कर लीजिए प्लस 21 कर लीजिए, बराबर आपके यक्स के है। अब 16 को कट कर दीजिए, यहाँ पे 4 से 4 बचेगा और यहाँ पे 100 को 4 से कट करेंगे तो आपका बचेगा 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का गुणा यक्स में होगा तो 4x हो जाएगा, बटे में 25 है तो 25 लिख लीजिए, प्लस में क्या है 21 है और इधर बराबर के यक्स है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि हम इस चीज को इस साइड ले आते हैं, तो हम जब यक्स के इस साइड ले आएंगे तो यक्स माइनस 4x/25 हो जाएगा, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर बराबर के कितना बचा, 21 बचा। अब 25 का हम अगर देख सकते हैं आप, 25 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 25x आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 25x - 4x/25 और इधर क्या है, 21 है, देख लीजिए। उसके बाद 25x - 4x करें तो 21x आ जाएगा, बटे में 25 हो जाएगा और इधर है हमारा 21। अब 21 से 21 कट गया आपका तो यक्स बटे 25 बचा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 25 आ गया यक्स बराबर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अब बाकी के जो प्रश्न बनते हैं आपके, जो मैंने बताया कि वृद्धि वाले बनते हैं और आपके कमी वाले प्रश्न बनते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, इस प्रकार के प्रश्न हम अपने सेकेंड पार्ट में, परसेंटेज के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, इस प्रश्न को हम तेजी से सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम बॉडमास रूल के हिसाब से क्या करते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी कौन सी चीज सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो का है, का को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑफ। तो हमको पता है कि बॉडमास में बी ओ होता है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीजें पहले सॉल्व हो जाएंगे फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 100 - 300 का 20% का 40%। अब इसके बाद देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 30 का 20% कितना होगा, 30 का हम पहले 10% निकाल लेते हैं, हम प्रश्न के अनुसार अपनी चीजों को, टेक्निक को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा, तो 10% जब 30 होगा तो आपका 20% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 - 60 और का 40%। तो यहाँ पे 100 - 60 करें कितना आएगा, 40 आ जाएगा, 40 का 40% कितना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा, उसी प्रकार से 40 का जब 10% 4 होगा तो 40% 16 हो जाएगा। बट अगर जो टेक्निक मैंने बताया उससे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, दोनों का गुणा मैंने बताया था करने के लिए, 40 * 40 कर लीजिए,
बटे में 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, चार गुड़े चार कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए जिससे आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ सके। हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ गलतियां कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया ये क्लास, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं गलती यहाँ पे कहाँ गलती कर रहा हूँ, जरूर बताइए मुझे। अच्छाई बताने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए आप मेरी गलतियां बताइए जिससे मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं और आने वाली वीडियोज में उन गलतियों को न दोहराऊं। तो दोस्तों अब मिलते हैं परसेंटेज के सेकेंड पार्ट में कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।